ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्या लिखा ही है, डिस्क्राइब सोशलाइजेशन। स्क्रीन विजिबल है, लास्ट टाइम बोल दो यस और नो, बोल दो। ओके ओके, चलो वेलकम टू क्लास वंस अगेन, गुड इवनिंग। तो अभी स्टार्ट करते हैं, रैपिड क्वेश्चंस आएंगे आपको, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, आज 7 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट लॉन्ग सब मिला के है। जिनको कल प्रॉब्लम हो रहा था, मैम पर्सनालिटी एक बार समझा दीजिए, तो पर्सनालिटी का क्वेश्चन भी है, लीडरशिप क्वेश्चन है, प्ले है, सोशलाइजेशन है, इंटेलिजेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, इतने क्वेश्चंस हैं। हम ट्राई करेंगे 9-15-20 तक क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, डिस्क्राइब सोशलाइजेशन, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको हिंट देने के लिए मैं कुछ लिखी हूँ, एंड पॉइंट वाइज कैसे मेंशन किया गया है उसको भी देखो। तो फर्स्ट है पॉइंट, आंसर आप लिखोगे इंट्रोडक्शन टू सोशलाइजेशन। अभी सोशलाइजेशन क्या होता है, वर्ड से समझो, सोशलाइजेशन द एबिलिटी टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, ये एक एबिलिटी है, आपके एक कैरेक्टर जैसा है, या फिर एक्टिंग जैसे करते हो ना किसी चीज़ में, अगर एक्ट्रेस एंड एक्टर हैं तो वो क्या करते हैं, मूवी इतना रियलिस्टिक क्यों दिखता है, क्योंकि उस सिचुएशन में वो खुद को क्या करते हैं, एडजस्ट करवाते हैं। तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ सोशलाइजेशन, यहाँ पे सोसाइटी में एडजस्ट करना है, सोशल नॉर्म्स के साथ सोसाइटी में एडजस्ट करना है। सो द एक्ट ऑफ एडप्टिंग बिहेवियर और नॉर्म्स ऑफ ए कल्चर और सोसाइटी, आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे या फिर आप खुद से ही वो चेंजेस लाओगे, कैसे, एडप्ट करने के बाद, कौन सी चीज़ को एडप्ट कर रहे हो आप, अपने सोसाइटी और सोसाइटल रूल्स और कल्चर को, सामाजिक जो नियम होते हैं, नीति होते हैं उसको, या फिर समाज में जो कला संस्कृति है उसको अगर आप ग्रहण करते हो, उसके बाद आपके अंदर जो परिवर्तन आता है या फिर आपका जो परिवर्तन है वो दिखता है, झलकता है, तो उसको हम सामाजिकीकरण बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। मीनिंग डेफिनेशन देना है, अभी बोलो, डेफिनेशन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, एक डेफिनेशन एटलीस्ट याद करना है। अभी देखो मीनिंग में क्या है, मीनिंग क्या है, अच्छा मैं बोल सकती हूँ ना कि ये जो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, क्या ये एक दिन में मिल जाएगा या ओवर द पीरियड मिलेगा, मतलब बहुत समय तक इसको हम यूज़ करने से, अगर सोच लो, जैसे बोलते हैं ना, कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो एक दिन में उसका रिजल्ट आता है क्या, ये भी वैसे ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है जिसको आप बार बार यूटिलाइज करने के बाद आपके एक्सपीरियंस में, आपके बिहेवियर में और आपके बॉडी में एक टाइप के चेंजेस आते हैं, उसी को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन का मतलब होता है मास्किंग, मास्क पहनते हैं लोग, ये वाला मास्क नहीं, मुंह पे जो आपने कोरोना के टाइम पे दिया था वो मास्क नहीं, जैसे आप कोई भी मास्क पार्टी में जाते हो, मूवी में देखे ना, मास्क पार्टी होता है, हाँ मुखौटा, तो एक टाइप का हम मुखौटा पहन के रखते हैं कुछ समय के लिए, आज आपका रोल है, जैसे बोलते हैं ना, गो एज यू लाइक, आपको जैसा मन आप वैसा रेडी हो जाओ, तो आज के लिए मैं इंदिरा गांधी बन जाऊँ, ठीक है, तो ये मेरा बिहेवियर में चेंजेस आए या फिर मेरे कैरेक्टर में चेंजेस आए, मेरे पर्सनालिटी में चेंजेस आए, तो वो किस लिए आया ना, उस कैरेक्टर में एडजस्ट करने के लिए आया। वो कैरेक्टर कहाँ पे मौजूद है, सोसाइटी के विद इन प्रेजेंट है या मौजूद है, तो इसीलिए उसको सोशलाइजेशन बोला गया। उस टाइप के कैरेक्टर, पर्सनालिटी, बिहेवियर, एक्सपीरियंस अगर हम लेते हैं और कुछ समय के लिए मास्किंग करते हैं, अपने चेहरे पे और बॉडी पे, शरीर पे मुखौटा लगाते हैं, तो उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है। देखो नंबरिंग पूरा करते जा रही हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, टाइप्स में आ जाते हैं, ठीक है, टाइप्स में आ जाते हैं। देखो आपको समझ आना चाहिए, तो पूरे पेपर को आप जब देखोगे, मैंने A4 साइज पेपर में लिखा है एंड बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए शॉर्टकट लिखा है, तो समझना। सो थर्ड पॉइंट पे हमने मीनिंग लिख दिया, और फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखोगे, देखो मार्क किया है फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज हमारा टाइप्स। तो मैं बता दूं कि इसके टाइप्स में आप क्या क्या लिखोगे, टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, देयर आर
टू टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कंसेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है, क्या है बोलो, सोशल लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंटीग्रेट्स इनटू इंडिविजुअल्स। एक ही लाइन में एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो उसको एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अगर पॉइंट को बोला सोशल लर्निंग, कहाँ पे पढ़े हो सोशल इंटरेक्शन सोशल लर्निंग, दोनों अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग कंसेप्ट है, याद करो सोशल लर्निंग, याद आ रहा है, ऑसुवेल एंड बंदूरा, लर्निंग एंड टीचिंग, ऑसुवेल एंड बंदूरा। अगर सोशल इंटरेक्शन बोल दूँ तो वाइगोट्स्की, सोशल इंटरेक्शन बोल दूँ तो वाइगोट्स्की, ओके। अभी देखो क्या बोला गया इस लाइन पे, सोशल लर्निंग मतलब सोसाइटी में रहते हुए लर्निंग। जैसे मैंने अभी आज कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन किया कि आप सब यहाँ पे प्रेजेंट हो, कुछ ना कुछ हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, दैट मीन्स इट्स आवर सोसाइटी, ये हमारा सोसाइटी है, समाज है, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो सोशल लर्निंग जो मैंने आप लोगों से सीखा वो कैसे मेरे पास आया, एज एन एक्सपीरियंस। वो हमारे पास कैसे आएगा, एक्सपीरियंस के तौर पे आएगा। हम जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो क्यों, उसी चीज़ को हमने बार बार प्रैक्टिस किया हुआ है। ये जब हमारे अंदर इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट को सिंपल वे से अभी समझाती हूँ, ठीक है, इंटीग्रेट मतलब जुड़ना या फिर अंदर चले जाना, इंटीग्रेट अभी समझाती हूँ कैसे बोलो। एक खाली मटका है, ठीक है, खाली मटका है, एक जार है या मटका है बोल लो, या फिर एक हांडी है बोल लो। अभी मैंने क्या किया, एक बाल्टी लेके आई एंड इसमें बहुत सारा पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसको मैंने बोला कि मैंने क्या किया, वन बकेट ऑफ वाटर को इंटीग्रेट किया इस हांडी में, ठीक है, इस वेसल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, अभी ये जो हमारा वेसल है या हांडी है वो क्या हो जाएगा, वो खाली था, एम्प्टी था, अभी क्या होगा, जाएगा फुल हो जाएगा, यस, वेरी गुड। तो ये सोशल लर्निंग, सोच लो ये अभी सोशल लर्निंग है, सोशल लर्निंग से मुझे क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला। ये एक्सपीरियंस जब मेरे बॉडी के विद इन गया तो क्या आएगा, बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। इसी चेंजेस को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज इस चेंजेस के बाद, क्योंकि मैंने सोसाइटल रूल्स को ही सीखा ना, लर्न क्या किया, सोसाइटल रूल्स को ही सीखा, देख के सुन के सीखा, एंड उसी के थ्रू मैं सोसाइटी में एडजस्ट हो जाऊंगा, सोसाइटी में एडजस्ट हो जाऊंगा, ठीक है, खत्म। ये सोशलाइजेशन है। देखो ये मैंने एग्जांपल दिया, मेरे माइंड में जितने एग्जांपल्स आते हैं उसको आप अपने में लिख सकते हो, ये एग्जांपल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, मैं मेरे माइंड में जो आएगा मैं बताऊंगी। सोशलाइजेशन को ऐसे समझा भी सकते हो। अभी देखो टाइप्स में आ जाते हैं, तो टाइप्स में क्या है, यहाँ पे टू टाइप्स है। नॉर्मली आपके एजुकेशन सिस्टम भी कितने टाइप्स के हैं बताओ, एजुकेशन कहाँ कहाँ से लेते हो, कितने टाइप्स के हैं बोलो, फॉर्मल इनफॉर्मल, वेरी गुड, फॉर्मल इनफॉर्मल। एजुकेशन में और एक पार्ट भी है, नॉन फॉर्मल भी है, बट यहाँ पे नॉन फॉर्मल नहीं चाहिए, हमें दो ही चाहिए, एक है फॉर्मल दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हो, कुछ नियम हो, रेगुलेशंस हो, निर्दिष्ट कोई डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिनरी आइडियाज मिलते हो। तो कहाँ से मिलते होंगे, पहले के टाइम से स्टार्ट करें, दैट इज फ्रॉम द एंशियंट पीरियड, बोलो कहाँ से मिलते होंगे हमें, मंदिर, गुरुकुल, मंदिर, मस्जिद, हो गया, मस्क में मिल जाएंगे, मस्जिद में मिल जाएंगे, गुरुद्वारा में मिल जाएंगे, एंड अभी के टाइम के लिए स्कूल है, अभी के टाइम के लिए स्कूल है, तो मैंने इतना लिख दिया फॉर्मल में, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या आया, इनफॉर्मल मतलब इन पॉइंट्स को छोड़ दो, ये जो प्लेसेस हैं इनको छोड़ दो, इसके बाद क्या आता, फैमिली, फैमिली आ गया, फैमिली के अंदर चले जाओ, थोड़ा सा आगे पीछे घूम लो, अगर बच्चों को हम घर पे पढ़ा नहीं सकते तो कहाँ भेजते हैं, कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस, तो कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस आपके हो गए क्या, इनफॉर्मल। बिकॉज देखो कोचिंग सेंटर्स में अगर थोड़ा बहुत लेट होता है, आप जो आते हो क्लासेस में अगर लेट होते हो तो क्या हम लोग क्लास से आपको निकाल देंगे, बोलो, नो, तो दैट मीन्स ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, यहाँ पे रूल्स फिक्स नहीं है, यहाँ पे रूल्स फिक्स नहीं है। एंड प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से भी बच्चे सीखते हैं, प्लेग्राउंड से भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं, हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल।
अभी आपको एजेंसीज में जाना है। एजेंसीज मतलब एजेंट्स, क्या क्या एजेंट्स है। इससे पहले मैं और कुछ पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फोर्थ पॉइंट के बाद छोटा सा एक पॉइंट मैंने ऐड किया कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कौन से चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकीकरण का आपका क्या कैरेक्टर्स है, अगुण है, ठीक है। तो पहला चीज़, ये जो सोशलाइजेशन है ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हम चाहे तो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए, हम चाहे तो नहीं होंगे, इतना ही है। बताओ आप इतने सारे बच्चे हो, क्या आप कोई भी सोसाइटी में कोई भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हो, हो पाए थे अपने लाइफ में, एवरी पॉइंट पे हो पाते हैं, हम नहीं नहीं हो पाएंगे। सो दैट इज, इट इज बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट, ओन इंटरेस्ट, हमारी इच्छा के अनुसार होता है, हमारा इच्छा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम एडजस्ट हो जाएंगे। सो बोलो अभी क्या समझा, सोशलाइजेशन एक लर्निंग है कि नहीं, लर्निंग है ना, सीखते हैं हम लोग यहाँ से। तो सोशलाइजेशन एक लर्निंग है। सोशलाइजेशन मतलब क्या है, सोसाइटी में जब जाओगे तो सोसाइटी वन काइंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज से बना है, तो यहाँ पे मल्टीलिंग्वलिज्म का प्रोसेस है। तो मल्टीपल लैंग्वेज है मतलब कल्चरल एसिमिलेशन, बहुत सारे कल्चर्स को ये जोड़ लेता है, कल्चरल एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज मानने पड़ते हैं, जो कि कल के क्लास में आप मोरल वैल्यूज में भी समझे थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, लॉ एंड ऑर्डर। तो तीन पॉइंट्स में यही तो मेंशन था कि सोसाइटी में जब जाओगे वहाँ पे कुछ नियम मानने पड़ते हैं। इसके बाद लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। सेल्फ को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों में बचपन से ही सेल्फ का डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ लोगों में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है। सेल्फ मतलब खुद को जानना, आप क्या हो, हु एम आई। सेल्फ इस्टीम, आपका खुद का क्या पावर है, देखो आपके अंदर कितने एनर्जीज हैं, कितने पावर हैं, क्या आपके सारे चक्र एक्टिवेट्स हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, क्या आपको संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है, ये सारा चीज़ जो जहाँ पे जानते हो वो सेल्फ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, खुद को जानना, खुद को प्रकाश करना। अभी देखो नेक्स्ट, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अभी बता दो सोशलाइजेशन का एजेंट कितना है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंसीज, और देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स। सो फर्स्ट है, टाइप्स में मैंने बोला देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स बोला, ओनली टाइप्स मेंशन नहीं किया है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स बोला। पहला है फैमिली, प्राइमरी, जहाँ बच्चा घर से ही आरंभ करता है, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, वो जो भी करेगा फैमिली से ही करेगा, वो कुछ लर्न कर रहा है, वो कुछ सीख रहा है अपने फैमिली से, वो इमिटेट कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहा है, जो जितने कैरेक्टर्स हैं वो अपने घर से ही करेगा। तो फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट क्रिएट्स योर बेस, ये आपका बेस बनाता है, फंडामेंटल यूनिट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी के बाद हम आते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में बहुत चीज़ें आती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो स्कूल आता है, बिकॉज आफ्टर पेरेंट्स, हु इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, आफ्टर पेरेंट्स स्कूल के अकॉर्डिंग, टीचर, टीचर गुरु, गुरु हमारे जो गुरु होते हैं वो। अभी गुरु का कोई उम्र नहीं होता, ठीक है, गुरु जेंडरलेस है, उनका कुछ उम्र नहीं देखा जाता, ज्ञान देखा जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे होंगे बहुत ही कम उम्र के हैं, जो कि 20-21 साल के हो, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 32 के भी हो, 33 के भी हो, कुछ ऐसे भी हैं 48 के, 50 के भी हैं, ठीक है। तो सब में ज्ञान अलग अलग है, इसको ज्ञान का सोर्स बोला जाता, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। उसको हम कहाँ पे हमको मिल सकता है, स्कूल में, स्कूल में, दैट इज अगर आप लोग टीचर बन जाते हो वही नॉलेज दोगे। अभी ऐसा नहीं है जो छोटे हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास भी नॉलेज रहता है, मे बी उनका डेवलपमेंट बहुत पहले ही हो चुका है इस वजह से, ठीक है। स्कूल, स्कूल के बाद पीयर्स। आप अगर स्कूल में टीचर नहीं बनते हो तो आप एक दूसरे को हेल्प करते हो कि नहीं, एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, सेम एज ग्रुप वाले हैं, सेम एज ग्रुप वाले हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में हेल्प करता है, दैट मीन्स पीयर्स। आप लोग कौन बन गए, अभी पीयर्स बन गए, सेम एज ग्रुप वाले एंड नॉलेज। सपोज मेरा नॉलेज आपसे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जिस चीज़ में मेरा नॉलेज ज़्यादा है उस चीज़ का नॉलेज मैं आपको दे दूंगी, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड,
आप मेरे दोस्त हो, सो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, और आपको जिस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज है वो मुझे दे देना। सो ये पीयर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज मीडिया अट्रैक्ट्स आवर सेंसेस, मीडिया इफेक्ट्स आवर लर्निंग, मीडिया प्रोपेलर्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमें प्रोपेल भी करता है, प्रोपेलर्स। जस्ट लाइक आप एक बोट में बैठ जाओ तो बोट जैसे हवा के दिशाओं से चलता है ना, हवा जिस तरफ चल रहा है उसके बहाव से वो चलते जाता है, वैसा ही है, वैसा ही है आपका मीडिया भी। मीडिया के वर्ड्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं, वो आपको खींच के ले जाते हैं, वो ड्रॉज योर अटेंशन, आपके अटेंशन को ड्रॉ करता है, खुद के तरफ खींच लेता है, तो ये सारा मीडिया करता है। फिर है रिलीजियन। अभी वो लोग, कुछ लोग धर्म से विच्छेद होके दूसरे धर्म में जा रहे कि नहीं बताओ, एक रिलीजियन से दूसरे रिलीजियन में जा रहे हो, यस ये भी होता है। या फिर हम बोल सकते इंटरकास्ट मैरिज होता है, आपने देखा है बहुत जगह पे हो रहा है। इंटरकास्ट मैरिज के बाद रिलीजियन चेंज करना या रिलीजियस वैल्यूज को लेना, हम बोलते हैं रिलीजियस वैल्यूज को लो, ठीक है, अच्छे वैल्यूज। आपके रिलीजन में जो भी अच्छे वैल्यू है मैं ले लूँगी, मेरे रिलीजन में जो अच्छे वैल्यू है आप एक्सेप्ट कर लेना। तो ऐसे चलते हैं आपके सेकेंडरी। तो सेकेंडरी प्राइमरी हो गया। कंक्लूजन आप दे देना खुद से, दैट इज सोशलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सोशलाइजेशन प्रोवाइड्स अस वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज, इट इज़ ए सोर्स ऑफ लर्निंग, इट इज़ ए सोर्स ऑफ नॉलेज, इट प्रोवाइड्स अस वेरियस टाइप ऑफ थॉट्स, लैंग्वेज, कल्चरल एसिमिलेशन एटसेट्रा, सो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इतना ही लिखना है, हो जाएगा, यस और नो, कंप्लीट हुआ, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, आज का शॉर्ट क्वेश्चन जो है एरिक्शंस, एरिक एरिक्शन याद आ रहा है, एरिक एरिक्शन, हाँ एरिक एरिक्शन का जो पॉइंट्स है उसको याद करना अभी, ठीक है। देखो क्या है, फर्स्ट थिंग एरिक एरिक्शन अगर क्वेश्चन आता है तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को शॉर्टकट बताने को ट्राई किया है, बहुत ही शॉर्टकट बताने को ट्राई किया है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है, हेल्प मिलेगा। अभी देखो क्या क्या मैंने मेंशन किया, इंट्रो दोगे, क्या है एरिक्शन को क्या बोला गया, बेस्ट नोन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल और डेवलपमेंट पर्सनालिटी, ठीक है, उनको बोला गया कि उनका जो थ्योरी है, उनका जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल और डेवलपमेंट पर्सनालिटी, ये साइकोसोशियल, साइकोसोशियल दैट मीन्स ये साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू ब्रेन, दैट इज कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन, एंड सोशल मतलब समाज आ गया, सोसाइटी, ठीक है, ये दोनों चीज को लेके उन्होंने बनाया एक डेवलपमेंटल प्रोसेस, तो दैट इज सोशियो इमोशनल बोल सकते हो, बिकॉज ना योर इमोशन इज कनेक्ट विथ साइकोलॉजी। एक पर्सन, आपको अगर कल एग्जाम है सोच लो, एंड मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया, क्या आप पढ़ पाओगे, ये सुनो, नो, सो थिंक करो, एक बार मैंने डांट दिया तो आप इमोशनली वहाँ पर डाउन हो गए, आफ्टर दैट वही इमोशंस आपके दिमाग में जाके रिपीटेशन में चलते रहता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, उसका क्वेश्चन आते रहता है, तो इसीलिए ये दोनों कनेक्टेड है, कनेक्टेड है साइकोलॉजी एंड इमोशंस और डेवलपमेंट पर्सनालिटी। तो ये हो गया आपका पॉइंट, देन इट फॉलोज सीरीज ऑफ स्टेज और स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस है ना, कितने स्टेजेस है बता दो टोटल, एरिक्शन थ्योरी याद है तो बताओ, एट थ्योरी, सॉरी एट स्टेजेस है, ये स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक चलता है बताओ, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, दैट इज चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, इन्फेंसी में मत चले जाओ, इन्फेंसी में मत चले जाओ, इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाता है, बट हम यहाँ पे सो करें, एक्चुअल इफेक्टिव कहाँ से होता है, प्रभाव कहाँ से डालना स्टार्ट करता है, वो चाइल्डहुड टू एडल्टहुड है, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी बोला गया ना, अब इंसानों का साइकोलॉजी कब समझते हो बताओ, कौन से पीरियड से बच्चों का साइकोलॉजी समझ पाओगे, जब वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में रहेगा, अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे चाइल्डहुड टू एडल्टहुड है। अभी देखो अबाउट जो मेंशन है, दैट इज बायोग्राफिक पॉइंट्स कुछ दोगे इनके एरिक्शंस के बारे में, सो क्या है,
जस्ट लाइक कल हमने पियाजेट का पूछा था, तो आज क्या है? जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये कौन है? जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है? ओके, इन्होंने एक टर्म दिया था, कौन सा टर्म है बताओ? आइडेंटिटी क्राइसिस। कल भी सुने थे ना, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस। सो आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब है क्या बताओ? आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है बताओ? चिंतित है, डाउट में रहता है, दैट मीन्स उसको परिचय नहीं मिल रहा है, उसका परिचय क्या है उसको नहीं पता है, दैट इज आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी बोल दो, अगर एक पर्सन का आइडेंटिटी उनको मैं नेगेटिव बोल दूँ तो वो बैड पर्सन बन जाएंगे, अगर मैं बोल दूँ पॉजिटिव तो वो गुड पर्सन बन जाएंगे। दैट मीन्स आइडेंटिटी क्राइसिस, कमी मतलब परिचय का कमी, आपको अच्छा इंसान बना सकता है, बुरा इंसान बना सकता है। तो इसीलिए साइड में ब्रैकेट में भी मेंशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। अभी देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। सो ये इफेक्टेड बाई कौन, क्या क्या इफेक्ट करता है ज्यादा से ज्यादा? देखो बचपन में चाइल्डहुड पीरियड, इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, कौन ज्यादा इफेक्ट करता है? पेरेंट्स, पेरेंट्स, ओके, पेरेंट्स। जैसे अर्ली चाइल्डहुड से थोड़ा निकल के आप स्कूल एज में चले गए, लेटर चाइल्डहुड में सोसाइटी एंड वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स इफेक्ट करना स्टार्ट करें, फैक्टर्स एंड सोसाइटी इफेक्ट करना स्टार्ट करें। ये थोड़ा सा हो गया पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टेबल बनाओगे प्लस एक्सप्लेनेशंस दोगे, टेबल बनाओगे प्लस एक्सप्लेनेशंस दोगे, ठीक है? आप चाहो तो बड़े से टेबल में ही पूरा एक्सप्लेनेशंस भी दे सकते हो, एंड फॉर शॉर्ट नो नीड टू राइट कंक्लूजन। अभी देखो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ई को, ओके, स्टेज मैं पहले से स्टार्ट कर रही हूँ, इन्फेंसी पीरियड से ही स्टार्ट होगा। मैंने बोला इफेक्ट किस में ज़्यादा आता है, इफेक्ट किस में ज़्यादा आता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड, बट स्टार्ट तो होगा इन्फेंसी से। तो पहला हमारा आ गया इन्फेंसी, इन्फेंसी का कौन सा पीरियड लेंगे बता दो? मैं याद करवा रही हूँ, 0 to 18 months, याद कर लो, 0 to 18 months, 0 to 18 months, 18 months मतलब अगर एज में देखोगे कितने ईयर्स हो जाएगा, कितने ईयर्स हो जाएगा? डेढ़ साल का, डेढ़ साल का हो गया, डेढ़ साल का। अभी मैंने इतना ही पॉइंट को याद करना है, एक्सप्लेनेशन आप खुद के वर्ड्स में देना बहुत अच्छा रहेगा। साइकोलॉजिकल क्राइसिस, देखो क्या कमी है इसमें, याद है ये वाला, याद आ रहा है? ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, मिस्ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट, कुछ भी बोल सकते हो, ओके? ट्रस्ट, बच्चा किसको ज्यादा ट्रस्ट करता है बताओ? किसको ज्यादा ट्रस्ट करता है? मदर को। देखो मैं एक एक बोलूंगी, एक एक को क्लीन करते जाऊंगी, स्पेस नहीं है, एक एक बोलूंगी, एक एक को क्लीन करते जाऊंगी। तो मेरा पीरियड है इन्फेंसी, एज है 0 to 18, मुझे क्या मिला है ना, मुझे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मिला है। अगर मेरा ट्रस्ट, मेरे पेरेंट्स मुझे केयर करते हैं सो दैट मैं उनको ट्रस्ट करूंगी, इफ दे डोंट केयर मी देन मेरा क्या आ जाएगा, मिस्ट्रस्ट आ जाएगा, मैं उनको बिलीव नहीं करूंगी। तो इसमें कौन सा वर्च्यू मिल रहा है? लव। क्या मिला? लव, ओके, मिल गया। सो ये आपका एग्जाम्पल है, फर्स्ट हो गया, याद रहेगा इन्फेंसी, एक खत्म हो गया। इन्फेंसी के बाद बोलो क्या आता है हमारा? अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। अभी बोलो कौन से एज में चल रहे हैं हम लोग? 3 years, डेढ़ साल से 3 साल, हाँ 3 years, ओके। याद करो फिंगर्स के टिप्स के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को रटवाया था, पहला हो गया ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट। सेकंड में क्या आएगा? तो यहाँ पे डायग्राम देख लो, और डायग्राम मतलब मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है, चार्ट देख लो बेटर रहेगा। जैसे कि स्टेज वन इन्फेंसी पीरियड में, जो कि डेढ़ साल, 0 to 1.5 साल तक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होप में आएगा। 1.5 से 3 साल आपका जो आ गया टोडलर बोल सकते हो, या फिर अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनोमी वर्सेस सेम होगा, जो कि उसका बच्चे है विल। 3 से 5 और 3 से 6 भी ले सकते हो, जो कि आपका प्री स्कूल पीरियड है, इनिशिएटिव, जहाँ पे बच्चा इनिशिएटिव लेगा। अगर इनिशिएट नहीं ले पाया तो गिल्ट फील करेगा, उसका वर्च्यू है पर्पस। अच्छा, जो पहले वाला था ना ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, वहाँ पे होप एंड लव लिख सकते हैं, जहाँ पे इवेंट्स होता है लव का भी होप का भी, तो होप एंड लव होगा करेक्टली। एंड उसके बाद आता है 5 to
ट्वेल्थ, दैट मीन्स आपके 6 to 12 में जा सकते हैं, जो कि आपका प्री स्कूल एज है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, जहाँ पे बच्चा क्या करेगा, डिपेंडेंसी से खुद पे काम करना स्टार्ट करेगा, ऑटोनोमी लेना स्टार्ट करेगा, अगर नहीं लिया तो इन्फीरियर हो जाएगा, कॉम्पिटेंसीज उसमें बढ़ रहे हैं, उसका वर्चुअल कॉम्पिटेंसी। और नेक्स्टली हो गया 12 से 18 साल का, जो भी टीनेज एडल्ट एडोलेसेंट पीरियड आते हैं, एडोलेसेंट पीरियड में चले गए, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, बच्चा खुद का आइडेंटिटी ढूंढेगा, ईप नहीं मिला तो रोल कन्फ्यूज़न होगा, तो इसमें बच्चा फर्टिलिटी देखने को मिलता है कि वो ढूंढते रहता है, बहुत कोशिश करता है। एंड 18 से 40 बोला गया, यहाँ पे 18 से 35 भी कुछ बुक्स में है, तो 18 to 35 जो रह गया आपका यंग एडल्ट, यंग एडल्ट में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है, जो कि लव एंड अफेक्शन दोनों लिखेगा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ बुक्स में अफेक्शन भी मेंशन है, लव एंड अफेक्शन, अफेक्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद आता है 35 से 65 और 40 से 65, जो कि जेनरेटिविटी वर्सेस टेग्नेशन होता है, जहाँ पे इंसान अब क्या करते हैं, खुद का अचीवमेंट लेके आते हैं, वर्क एबिलिटी को दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो स्टैग्नेशन होगा, जहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, केयर चाहिए। और लास्ट में 65 प्लस एबव, जो ईगो इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। सो ये ना पूरा लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या दिखा रहा है कि लाइफ को कैसे चलाते हैं, क्या है आपका अचीवमेंट। आपका अगर अचीवमेंट कुछ नहीं है तो आपको बिटरनेस मिलेगा, डिस्पेयर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप खुद को गलत वे से सोचोगे, खुद को ही बिटरनेस एक लाइफ में आ जाएगा, एक आएगा कि रिग्रेट फील करोगे, गलती कर दिया, इतना मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। इंटीग्रिटी में आपका अचीवमेंट देखा जाता है, जोड़ते हुए चलो, आपने लाइफ में इतना काम किया, आपका अचीवमेंट क्या है, तो उस अचीवमेंट के ऑपोजिट में क्या आता है, डिस्पेयर आता है। बोलो लास्ट में क्या मिलेगा, वर्च्यू क्या है, लास्ट वर्च्यू विजडम, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस और विजडम। सो विजडम मतलब ही नॉलेज ही है। सो यहाँ पे आपको समझना है इंटीग्रिटी। अभी आप कौन से पीरियड में हो बताओ, कौन से पीरियड में हो, आप लोगों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग सारे 18 to 35 में है, 18 to 35 यंग एडल्ट। सो इंटीमेसी आइसोलेशन हमारा पॉइंट है, हम लोग इसके बाद जो भी स्टेप्स को काउंट करेंगे, लास्ट में हमें यहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे हमें इंटीग्रिटी मिलेगा। अगर इंटीग्रिटी नहीं मिला, अचीवमेंट नहीं मिला, तो हमारे माइंड में बिटरनेस आएगा, मतलब वो बोलते ना अरे मैंने लाइफ में तो कुछ ही नहीं किया, मेरा लाइफ तो वर्थलेस है, मैं बेकार इंसान हूँ, मैं क्यों जिंदा हूँ, ये जो चीज़ आते हैं ना, इसको हम डिस्पेयर बोलते हैं। तो हमें इससे जीवन के बारे में जो भी ज्ञान है, वो संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति होता है, विजडम मिल जाता है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर, ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बस बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओके प्ले क्या आ गया क्वेश्चन हमारा, प्ले, ठीक है, प्ले एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, प्ले एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड राइट अबाउट प्ले मैंने डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ पे क्या क्या लिखना है वो समझ लो, सुन लो, याद रहेगा। एंड इसमें एक रिविजन हो रहा है, तो आप बाद में उसको अगर ऐड करना चाहो अपने पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो देखो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, राइट अबाउट प्ले, सो प्ले मीन्स क्या है वो ही लिखोगे, प्ले मीन्स क्या है, प्ले मतलब क्या समझते हो बताओ। अच्छा प्ले हम लोग स्टार्टिंग पीरियड से कर रहे हैं ना, इन्फेंसी से अभी तक प्ले ही चल रहा है ना हमारे लाइफ में, ये सुन लो। प्ले को मैंने यहाँ पे एक वर्ड दिया है, रोल प्ले, प्ले इज वन काइंड ऑफ रोल प्ले, बिकॉज जब भी एक पर्सन का बर्थ होता है, दैट इज ये बर्थ पीरियड से ही उनको कुछ ना कुछ रोल मिलता है, तो उनको वो प्ले करते हैं, तो दैट मीन्स अ रोल प्ले हो गया। अभी ये रोल प्ले अगर इन्फेंसी पीरियड में है, बचपना में है, हमारा बचपन में है, बाल्यावस्था में है, और हमारे उत्तरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेम के जैसे लेते हैं, प्ले, प्ले एक खेल है। अगर ओल्डर पीरियड के अकॉर्डिंग में देख लूँ, अगर एंशियंट पीरियड के अकॉर्डिंग में देख लूँ, तो क्या होता है, क्या बोला गया, जिसमें हम लोग टॉयज का यूज करते हैं, जैसे मैं बोलूँ एक्सप्लेनेशन देते हुए कि टॉयज, जैसे हमारे टॉयज का उद्भावन कहाँ से हुआ, एंशियंट चाइना से, ठीक है,
इजिप्ट से बेबिलियन से, सो सॉरी बेबिलोनियन, ओके बेबिलियन हो गया मेरा, लोनियन, सो सॉरी टंग मिस्टेक, मतलब टंग में अभी फंबलनेस आया है, मतलब टंग गया एंड वहाँ पे रॉन्ग हो गया, बेबिलोनियन. सो बेबिलोनियन चाइना इजिप्ट, ठीक है. इस पीरियड से हमारा टॉयज का क्या हो गया, इन्वेंशन हुआ. टॉयज मतलब उस पीरियड में कौन से टाइप के टॉयज होंगे बताओ, मिट्टी के, सारे मिट्टी के, सॉइल से बनेंगे, क्ले से बनेंगे, मिट्टी के बनेंगे, ठीक है. उसको जलाया जाता था एंड उसको क्या बोलते हैं बताओ, जब मिट्टी के सारे सामान बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोटरी. क्या बोलोगे, पोटरी, ओके पोटरी. सो ये बन गया, बेबिलोनियन पीरियड है, इजिप्ट है, चाइना है, यहाँ से आ गया. अभी ये जो हमने टॉयज का इन्वेंशन कर लिया, ये टॉयज डे बाई डे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस आए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के टॉयज बनने लगे, गेम्स स्टेशन बनने लगे, प्ले स्टेशन बनने लगे एंड बहुत सारे ऐसे मिल गए. अभी देखो प्ले को हम अगर टाइप्स ऑफ प्ले में ले जाते हैं, अच्छा मैं बोल सकती हूँ क्या प्ले सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, सोशलाइजेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, बिकॉज प्ले आप सोसाइटी के विदिन करते हो, सो इट इज ए पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन. अभी देखो टाइप्स ऑफ प्ले में चले जाते हैं, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्ले. सो फर्स्ट वन इज द सॉलिटरी प्ले. सॉलिटरी मतलब क्या समझते हो बताओ, सॉलिटरी मतलब क्या है, बच्चा अकेले खेलेगा, सिंगल, ठीक है सिंगल, तो अकेले बच्चा खेलेगा, अपने टॉयज को ले लेगा एंड घर पे बैठ के जैसे खेलता है या बाहर पे भी जाएगा तो अकेले खेलेगा. कैरेक्टर प्ले, आपको जो कैरेक्टर दिया गया है उसी को प्ले करना है, जो कैरेक्टर्स आपको मिला है उसी को प्ले करना है, ओके. देन नेक्स्ट वन इज द पैरेलल प्ले. पैरेलल प्ले मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ए एंड बी दो बच्चे हैं, ए अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, बी अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, बट सेपरेटली, सेपरेटली एक ही जगह पे खेल सकते हैं बट अलग अलग खेल रहे हैं, इसका टॉयज उसके पास नहीं है, इसके टॉयज इसके पास नहीं है, तो इसको कौन सा प्ले बोलेंगे, पैरेलल प्ले. क्या है, पैरेलल प्ले, जो समांतर गति से चल रहा है, समांतर है. देखो दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, दोनों के पास सेम टॉयज हैं बट अलग अलग खेल, एक साथ मिलके नहीं खेल रहे, तो ये हो गया पैरेलल प्ले. एसोसिएटिव प्ले क्या हो जाएगा बताओ, एसोसिएटिव प्ले मिलके खेलना, मतलब एक दूसरे को अपने टॉयज दे देना, मिलके खेलना, ठीक है. कोऑपरेटिव प्ले, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं ना, हाइड एंड सीक खेल रहे हो, तो हाइड एंड सीक एक कोऑपरेटिव प्ले है, समझ आ रहा है, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, ठीक है, छुपन छुपाई हो गया, या फिर आपके और भी गेम्स हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे. सो वो सारे चीज़ों में क्या होता है, एक पर्सन होता है जो सबको ढूंढ रहा है, वो हो सकता है गेम, या फिर कोऑपरेटिव प्ले, लंगड़ी टांग सुने, जहाँ पे वो स्टिक के साथ खेला जाता है या स्टिक को दिया जाता है एक दो पर्सन, उस गेम का नाम ही भूल गया अभी, अरे भूलिए, मैंने खुद खेला हुआ है बट मैं भूल गया, आपका वॉइस नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा, मुझे बोलेंगे थोड़ा, नहीं 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 वो चोरी नहीं है, वो वाला गेम नहीं है, एक स्टिक होता है, चार पर्सन होते हैं एक टीम में एंड एक पर्सन कुछ 100 meters तक रेस करेगा, रेस में जाएगा एंड एक स्टिक को लेके सेकंड पर्सन, क्या बोल रहे, रिले रेस, राइट, रिले रेस, रिले रेस, रिले रेस, राइट, मुझे गेम का नाम याद नहीं आ रहा, रिले रेस. तो ऐसे जो गेम्स होते हैं ना, एक दूसरे को हेल्प करना पड़ता है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव आता है, कोऑपरेटिव प्ले. और एक एक्स्ट्रा प्ले मैं आपको देती हूँ, तो दैट इज एक्स्ट्रा इज अ सोशल प्ले, समझ रहे हो, सोशल प्ले मतलब सोसाइटी में रह के जो आपका रोल प्ले करते हो, दैट इज अ सोशल प्ले, ठीक है. इसका इंपॉर्टेंस दोगे, प्ले से क्या होता है इंपॉर्टेंस, कि ये हमें लर्निंग देता है, एक दूसरे से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. देखो कोऑपरेशन है तो कोऑपरेटिव लर्निंग भी है वन काइंड ऑफ, एसोसिएटिव है तो कैसे एक दूसरे के साथ मिलके खेलोगे और शेयरिंग करोगे, शेयरिंग करने का एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप होगा. ग्रुप में कैसे रहना है या एडजस्ट करना है वो भी सिखाता है. ये चार पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंस में हो जाएगा, दैट्स इट. समझ आया, समझ आया, ये सुनो, ओके चलो और एक बार बोल दूं, ओके देखो क्या है, मैंने बोला
आपका जो प्ले है, प्ले इज वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस. प्ले एक लर्निंग प्रोसेस है, लिख दो, इज ए लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, एलपी लिख रही हूँ. देन क्या है, इट हेल्प्स इन कैरेक्टर डेवलपमेंट. सी डी मैंने लिखा कैरेक्टर डेवलपमेंट, फटाफट लिख सकते हो तो लिख लो कैरेक्टर डेवलपमेंट. इट हेल्प्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग. ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया. It helps you for socialization. It helps you to share your things to others. हो गया, ये सुन लो, हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. दैट इज राइट अबाउट लीडरशिप कैरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप. ठीक है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप. इंट्रोडक्शन में आ जाओ. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? लीडरशिप मतलब क्या है बताओ मुझे. अच्छा, मैं आपका हिंदी वर्ड थोड़ा सा सुधार देती हूँ. दैट इज, हिंदी में बहुत अच्छे वर्ड में आपने बोला बट थोड़ा सा आधा रह गया. अगवानी बोल सकते हैं. हाँ, अगर मैं बोल दूँ अगवा करना तो किसी को गायब, किडनैप कर रही हूँ मैं. किडनैप नहीं करना है यहाँ पे, हम अगवानी करना, दैट मीन्स आगे लेके जाना. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है. अच्छा, मैं बोल रही हूँ, आप अभी ना लीडरशिप कैरेक्टर्स को फटाफट एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिखाओगे. कैसे दिखा सकते हो पता है? देखो, ये सपोज आपका ग्रुप है, मैंने सिर्फ एरो मार्क दिया एंड ग्रुप बनाया. ठीक है, यहाँ पे मैं एक पर्सन को ड्रॉ करती हूँ. तो पर्सन ड्रॉ करना, आपको वो व्हाइट वाला टॉय जैसा याद है ना, ऐसे हम लोग पहले बनाते थे. हाँ, ऐसे बना दो एंड ऊपर लिख दो लीडरशिप. और लीडर कैरेक्टर क्या है? लीडरशिप कैरेक्टर. ऐसे आप लोग डायग्राम कहीं पे भी दे सकते हो. छोटे छोटे डायग्राम देने जाते हैं, जितना दोगे डायग्राम्स उतना वो क्या लगेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा. चलो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ. सो यहाँ पे बोल सकते हो ना, लीडरशिप एक कैरेक्टर है. इट इज ए कैरेक्टर. आर्ट ऑफ, और दिया गया है, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टूवर्ड्स अचीवमेंट और कॉमन गोल. देखो, लीडर क्या करता है, ऑलवेज आपको एक रास्ते तक ले जाएगा. ठीक है, सपोज ये आपका गोल है. यहाँ पे मैं ना क्या करी हूँ, बॉल का मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक कोई एक बॉल मार रहा है, तो ये आपका गोल स्टेशन है. चलो मारो यहाँ पे, ये गोल हो गया. तो मतलब क्या है, यहाँ पे कॉमन गोल है. ये क्या है, आपका कॉमन गोल है. सो कॉमन गोल तक पूरे टीम को लेके जा रहा है, सो दैट इज द लीडरशिप कैरेक्टर. आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, आपके कैरेक्टर से लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं, सो आपके पीछे आ रहे हैं एंड आप उसको फॉलो करते हुए आगे लेके जा रहे हो, एक गोल तक पहुंचा रहे हो. तो ये अचीवमेंट या गोल तक पहुंचाने का जो कैरेक्टर है आपके पास, उसको हमने लीडरशिप कैरेक्टर बोला. सो यहाँ पे डायग्रामेटिक तो हो गया. यहाँ पे फटाफट देखो, और एक लाइन में मैंने डायग्राम दिया है. लीडर कौन सा एरो मार्क दिया, टू अचीव ए गोल. लीडरशिप स्किल यूज्ड, कौन सा स्किल यूज किया, लीडरशिप स्किल यूज्ड. वॉइस आ रहा है. ओके, अभी देखो टाइप्स ऑफ लीडरशिप. बोलो लीडरशिप के टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स का लीडरशिप है. देखो, आपको कंपैरिजन में समझाने के लिए ये पॉइंट बनाया. फिर क्या है पॉइंट, वेट, क्या पॉइंट है? मेरे पास 3 पॉइंट है. ठीक है, 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट है डायरेक्टिव लीडरशिप, सेकंड वन इज अ सपोर्टिव लीडरशिप, थर्ड वन इज अ परमिसिव लीडरशिप. परमिसिव लीडरशिप का 3 नाम है, मतलब परमिसिव लीडरशिप एक नाम है, दूसरा नाम है लेसेस फेरी लीडरशिप, थर्ड वन इज अ फ्री पेन लीडरशिप. ओके, तीनों को अच्छे से समझना एंड मुझे बोलना इसका कंक्लूजन आप क्या लिखोगे. माइंड सेट करो, यहाँ से ही आपको कंक्लूजन मिलेगा. टाइप 1 में क्या है, डायरेक्टिव लीडर.
आपको ना पढ़ना तक नहीं पड़ेगा, आपको पता है क्या है डायरेक्टिव, क्या होता है डायरेक्टिव का सिमिलर वर्ड्स बोलो, सिनोनिम्स बोलो। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मैंने सिनोनिम्स पूछा, सो दैट इज इंस्ट्रक्शंस, कमांड हो सकता है। यस, इंस्ट्रक्शंस, कमांड। पूछ ना, जब मैं बोलूं कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग सोचो, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वहां पे ही सब कुछ छुपा हुआ है, तो उस पॉइंट को डिस्कवर करना पड़ेगा ना, और ज्यादा एक्सप्लोर, मतलब एक्सप्लोरेशन करो, उस वर्ड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं ढूंढो। तो डायरेक्टिव बोला गया है, तो डायरेक्टिव मतलब इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांडिंग। तो मैं किसको कमांड दे सकती हूँ? मेरे टीम को, मेरे टीम को मैं कमांड दूंगी। आप मेरे टीम हो, मैं आपके लीडर हूँ, ठीक है, अभी मैं आपकी लीडर हूँ। सो मैं अगर सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, सिर्फ मैं आपको डायरेक्टिव करती हूँ, किसके लिए? एक गोल के लिए, ठीक है, एक गोल के लिए मैं आपको लीड आउट कर रही हूँ, आगे लेके जा रही हूँ, आगे लेके जा रही हूँ, एंड मैं आपका बात नहीं सुनूंगी, सिर्फ मुझे बेनिफिट्स चाहिए, मुझे मेरा बेनिफिट्स चाहिए। आप वर्कर्स हो या आप एम्प्लॉई हो, आप बोल सकते हो ऑर्डिनेट्स हो, सब ऑर्डिनेट्स हो, मेरे अधीन में रहते हो, ठीक है, आप मेरा बात सुनोगे और काम करोगे, आगे लेके मैं जा रही हूँ, मेरे इंस्ट्रक्शन से ही आप काम करोगे। तो ये बन गया डायरेक्टिव लर्निंग, डायरेक्टिव लीडरशिप लर्निंग, मतलब ये कैरेक्टर्स को जो लर्न करता है तो उस अकॉर्डिंग ये डायरेक्टिव लीडरशिप लर्निंग हो गया। बट जिसके पास ये कैरेक्टर है, डायरेक्टिव लीडरशिप, डायरेक्टिव लीडरशिप। अभी बोलो अगर सपोर्टिव हुआ तो क्या समझोगे? सपोर्टिव वर्ड अच्छा है, सोचो क्या होगा, बस हेल्प करेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है, सपोर्ट करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हेड, हेड मतलब हो गया लीडर, हो गया आप लोग कौन हो, एम्प्लॉई, सोचो मैं और आप, ठीक है, हमारा एक कंपनी है, मैं लीडर हूँ, मैं हेड हूँ, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, बट मैं आप लोगों को एम्प्लॉई जैसा ट्रीट नहीं करती, मैं आप लोगों को एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करती हूँ। सो मैं आपको क्या करूँगी, मैं लीडर होते हुए भी शोइंग हेल्प, करेज, सिंपथी, सो दैट मीन्स मेरा अगर डेवलपमेंट होता है तो आपका भी होगा ना, यस और नो? मेरा डेवलपमेंट हुआ तो आपका भी होगा, बिकॉज मैंने आपको हेल्प किया, मैंने किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा, मैंने सबको हेल्प किया, तो आपके अंदर भी लीडरशिप कैरेक्टर डेवलप होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में देखो परमिसिव, देखो परमिसिव इज अनदर लेवल, मतलब ये है ना परमिशन नीड करना, मतलब यहाँ पे मैं लीडर हूँ, आप लोग सारे एम्प्लॉय, सेम कंडीशन रहा, बट मैंने क्या नहीं लिया, मैं अवॉइड कर रही हूँ अथॉरिटी को, दैट मीन्स मैं कोई लीडरशिप कैरेक्टर को प्ले नहीं करना चाहती, मैं आपको परमिशन देती हूँ कि आप सारे लीडर हो एंड आप लोग अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से कर लो। सो लीडर अवॉइड्स हिज अथॉरिटी, वो खुद का जो अथॉरिटी लेवल में मेरा ज्ञान है मैं उसको छोड़ रही हूँ, मुझे अथॉरिटी नहीं चाहिए, मैं कोई लीडर नहीं बनना चाहती, मैं हेड नहीं बनना चाहती, आपको मैंने सब कुछ दे दिया, आप सारे एम्प्लॉय हो, लीडरशिप कैरेक्टर ले जाओ, सारे अपने हिसाब से चलाओ, डिपेंड्स ऑन ओनली सबऑर्डिनेट्स, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, आप जैसे चलाना चाहो ऑफिस चला सकते हो, नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, आप सारे अपने हिसाब से करोगे, हो गया। अभी बोलो विच वन इज बेस्ट, यस बोलो, हो सकता सबऑर्डिनेट, हाँ दो ऑप्शन देती हूँ, ठीक है, 50% केसेस में सबऑर्डिनेट्स अगर अच्छे मिले, ये चांसेस रेयर है, वो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स पे आ जाएगा, रेयर है, अगर सबऑर्डिनेट्स अच्छे मिले, आप में से बोलो, कुछ बच्चे होंगे ना जो बच्चों को अगर क्लासेस भी नहीं गए, कुछ भी नहीं गए, फिर भी रिजल्ट्स अच्छे करोगे, होगा कि नहीं बोलो, होगा। दैट मीन्स सबऑर्डिनेट्स अगर अच्छे मिल गए, बाई चांस ऑथोरिटी नहीं है, सबऑर्डिनेट्स अच्छे मिल गए, तो वो लोग खुद से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे एंड गोल अचीव करवा देंगे। अगर सबऑर्डिनेट्स, मैक्सिमम टाइम सबऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, वो डिपेंड करता है, एक इंसान से पूरा ऑफिस नहीं चल सकता या पूरा गैंग सकता, इसीलिए सारे इंसान को हाथ मिलाना पड़ता है, इसीलिए
अगर सब ऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं मिले तो गोल अचीव नहीं होगा। तो मैक्सिमम टाइप में परमिसिव में गोल अचीवमेंट बहुत रेयर होता है, 90% केसेस में वो फेल्यूर होता है। सपोर्टिव में क्या होगा बताओ, पॉजिटिव है, दोनों का हेल्पफुल हो जाएगा, हेल्प होते जाएगा, कैरेक्टर्स बिल्डअप हो रहा है, चेंजेस आएंगे पर्सनालिटी में, चेंजेस दोनों में आएंगे एंड गोल भी अच्छे से अचीव हो जाएगा। डायरेक्टिव क्या हो जाएगा, थोड़ा रिजिड है, डायरेक्टिव थोड़ा रिजिड है, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से काम करो, सो दैट इज अ रिजिड पॉइंट। ठीक है, अभी बताओ सारे बच्चे, अभी बताओ सारे बच्चे कि कौन सा आप कंक्लूजन लिख रहे हो, तो कौन सा पॉइंट लिखोगे, व्हिच वन इज बेस्ट, व्हिच वन इज बेस्ट। परमिशिव कहाँ से आया, परमिशिव नहीं होगा ना बेस्ट। अच्छा सबसे बेस्ट ला दूं, सपोर्टिव होगा, ओनली सपोर्टिव होगा। हमें कैरेक्टर्स एज ए टीचर सोचो, म्यूचुअल फंड एग्जाम्पल है, म्यूचुअल फंड, तो आप एज ए टीचर बच्चों को क्या दोगे, बच्चों के साथ आप अच्छा रिलेशन रखना चाहते हो या रिजिड रिलेशन रखना चाहते हो। अच्छा रिलेशन ना तो सपोर्टिव होगा, हेल्पफुल नेचर रखो, हाउ टू नहीं आएगा, बच्चे बात ही नहीं करेंगे, बच्चों का आप प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन नहीं दे सकते हो, सो दैट सपोर्टिव वन इज बेस्ट एंड सपोर्टिव रिलेटेड दो लाइन लिखोगे, कंक्लूजन एंड हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब में लिखना है थोड़ा बहुत, जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, हो गया समझ आया, नेक्स्ट में चलू। ओके, अभी नियर अबाउट 7, 8, 9, 10, ठीक है, 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अभी हम 11 में जा रहे हैं। ठीक है, पर्सनालिटी, चलो पर्सनालिटी में देखते हैं, मतलब ना ऐसे स्टाइल में आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, देखो सारे क्वेश्चन का स्टाइल अलग है, सारे क्वेश्चन में मैंने डिजाइनिंग भी अलग दिया हुआ है, आपके माइंड को उतना ही फोकस करना है कि सारी चीजों में थोड़ा सा वेरिएशन रखे, ये इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है, तो ये चीज आप लोगों को बनाना था एग्जाम से बिफोर, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें डिटेल पढ़ाना पड़ता है, बट आप लोग जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसको शॉर्टकट शॉर्टकट में प्रिपेयर करोगे, एक बार नोट्स प्रिपेयर होगा, आफ्टर दैट शॉर्टकट प्रिपेयर होगा, तब जाके आपको एग्जाम से बिफोर 2 डेज के विद इन, 3 डेज के विद इन पूरा कुछ बुक प्रिपेयर भी हो गया, रिविजन्स हो गया, प्रैक्टिस हो गया, सब हो सकता है। अदरवाइज आपको लगेगा अरे अभी तो स्टार्ट किया है, जो आएगा लिख लेंगे, इतना ही आता है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पर्सनालिटी। सो इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन क्या है, पर्सनालिटी क्या होता है पता है, अभी पर्सन का एबिलिटी, पर्सन का एबिलिटी दैट इज पर्सनालिटी, हो गया तोड़ना, चीजों को तोड़ो आपको पता चलेगा पर्सनालिटी क्या है, पर्सन का एबिलिटी। सो एबिलिटी क्या एक दिन में आपको मिल जाते हैं, एक दिन में मिल जाएंगे एबिलिटीज, नो, कोई भी कौशल हो एक दिन में नहीं मिलते, तो उसके लिए हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया, सम ऑफ एक्टिविटीज, सम ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का सिमिलर वर्ड बोलो, वर्क बोल सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, वर्क प्रैक्टिस हो सकता है, ठीक है। सो इट इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट डिस्कवर्स न्यू ऑब्जर्वेटिव कैरेक्टर्स और चेंज इन इंडिविजुअल, ठीक है, क्या मैंने बोला, कुछ ऐसा कैरेक्टर्स जो आप में देखने को मुझे मिले, बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, ठीक है, क्या इनमें से कुछ बच्चे होंगे जिनमें थोड़ा भी परिवर्तन आया होगा, आया होगा ना, ऑब्वियस है, पढ़ाई से कुछ ना कुछ चेंजेस तो आया होगा, तो इसको मैं कौन सा कैरेक्टर बोल सकती हूँ, ऑब्जर्वेटिव कैरेक्टर्स, आपको मैं देखने के बाद ही तो बता सकती हूँ आप में क्या परिवर्तन आया है। तो एक बच्चा स्टार्टिंग में कैसा था, अब आफ्टर 6 मंथ्स डेली क्लासेस के बाद वो कैसा है, तो उसके अंदर जो चेंजेस आए ना वो एक टाइप का क्या है, सम ऑफ एक्टिविटीज, मतलब सारे एक्टिविटीज का मिला जुला रिएक्शन है, अभी सम ऑफ एक्टिविटीज के वजह से उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स आ गए, ये नए कैरेक्टर्स बच्चों में चेंजेस लेके आते हैं, बच्चों में चेंजेस लेके आते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस,
ये किस पे डिपेंडेंट है, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है। अच्छा, जितना आप सीखते हो, जितना आप पढ़ते हो, एवरी टाइम मुझे आप बताओ, एक टॉपिक को आपने पढ़ लिया था, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, फिर भी अभी कुछ न्यू आइडियाज मिल रहे हैं कि नहीं, ये सुनो, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो तो इस पॉइंट पे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था, फिर हम रिवाइज भी कर रहे थे, नोट्स भी मिल रहा था, प्लस अभी और एक तरफ से छोटा छोटा क्या हो गया, रिवाइज चल रहा है, रिविजन चल रहा है। इससे हमारा एक्सपीरियंस स्ट्रांग बन जाएगा। एक्सपीरियंस क्या बन जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। इस एक्सपीरियंस के तौर पे आपको क्या मिलेगा, एक एबिलिटी मिलेगा, एंड इसी के लिए आपको बोला गया टीचर एक्सपीरियंसेस, टीचर एक्सपीरियंसेस और टीचर्स एबिलिटी आ जाएगा आपके अंदर। क्या आ जाएगा, टीचर्स एबिलिटी। आप लोग सारे स्टूडेंट्स नहीं है, आप लोग सारे गोइंग टू बी टीचर्स हैं, और मे बी आप लोगों के अंदर बहुत सारे होंगे जो स्कूल्स में ऑलरेडी पढ़ाते हो, सो गोइंग टू बी टीचर्स और मॉडिफाइड टीचर्स आप लोग बोल सकते हो। तो ये भी एक टाइप का पर्सनालिटी है, पर्सन्स का एबिलिटी, इंसान का जो गुण में विकास होता है उसको हम व्यक्तित्व का विकास बोलते हैं। व्यक्ति में जो तथ्य आते हैं उसको व्यक्तित्व का विकास मिलता है, मतलब तथ्य मतलब नए तथ्य, ठीक है। मीनिंग में आ जाओ, मीनिंग क्या है, ये जो पर्सनालिटी वर्ड है ये कहाँ से आया, हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट, मतलब लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में एक चीज अभी मैंने एक जगह पे समझाया था, क्या समझाया था, मास्किंग। मास्किंग मतलब क्या है, मास्क कवरिंग मुखौटा। कहाँ पढ़े थे बताओ, अभी कौन से क्वेश्चन में फिर से पढ़े हो, कौन सा क्वेश्चन, ओके ठीक है। तो मास्किंग यहाँ पे देखो क्या है, मास्किंग मतलब क्या है, इम्प्रेशन वी मेक ऑन अदर्स, ठीक है। अच्छा बोलो, आप सारे बच्चे, मुझे कुछ बच्चों ने देखा है, कुछ बच्चों ने नहीं देखा, मुझे आप लोग वॉइस से ही जान रहे हो, एंड मैं जो नोट्स देती हूँ या फिर मैं जो आपको लिखने देती हूँ, अभी आपको मैं बोलूँ कि आफ्टर क्लास मेरे बारे में आप दो लाइन लिख के मुझे भेजो, सो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग आएगा कि नहीं बताओ, यस ओके। तो ये मेरा क्या है बोलो, मास्किंग है। आपने मुझे इसी तौर पे देखा है, इसी इम्प्रेशन से देखा है, ठीक है, ये मेरा मास्किंग है। अगर और अच्छे से मैं समझाऊं, आप अपने हाथों में इंक लगा लो, ठीक है, इंक लगा लो, कलर लगा लो, एंड अपने कॉपी में मार्किंग कर लो, ऐसे मैंने छाप दिया, सो दैट इज द इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन मेरे एक्टिविटीज के वजह से आपके अंदर आया, एंड इसी इम्प्रेशन की वजह से आप मुझे जानते हो कि मैं नंदिनी हूँ या नंदिनी मैम हूँ, जो भी। सो इसको पर्सनल, हाँ हाँ बोलो, बस मतलब वैसे सारे पर्सन्स में अलग अलग कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इसे छोड़ के भी और भी पर्सनालिटीज मुझ में हो सकती हैं, ऑब्वियस है, हो सकते हैं, ओके आप में भी है। सो जस्ट लाइक आप मुझे एक ही तरफ से जानते हो, मैंने इसलिए बोला कि सारे बच्चे या सारे पर्सन जिस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं आपके अंदर, जो एक्सपीरियंस की वजह से जो चेंजेस आए, वो एक ऑब्जर्वेटिव कैरेक्टर है, अवलोकन से वो कैरेक्टर गुण मिला है आपको, वो चीज बाहर लोगों को दिखता है, और ये ओवर द पीरियड भी होता है, ये ओवर द पीरियड होता है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, ये ओवर द पीरियड भी होता है, बहुत समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है। तो ये सारे गुण आपको देखने को मिले, तो ये ना मेरा एक मास्किंग है, मैं एक टीचर हूँ, आपको मैं बीएड क्लास में पढ़ाती हूँ, ये मेरा मास्किंग है, ये मेरा इम्प्रेशन है आपके ऊपर, ठीक है। इसे छोड़ के भी मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सो ये पर्सनालिटी हो गया, लैटिन रूट से आया है, इम्प्रेशन वी मेक ऑन अदर्स, हो गया। अभी देखो मैंने सिंपली एक चीज बनाया, छोटा सा, क्या बनाया समझाने के लिए आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स को फटाफट से मैंने कौन से स्टाइल में लिखे, पी फॉर पर्सनालिटी, ओके पी फॉर पर्सनालिटी, इसको और ज्यादा मैंने लिखा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने भी बोला आपको कि मैं स्टार्ट की थी 5:30 को, बट लिखना स्टार्ट की 6 बजे, मेरा खत्म हुआ अराउंड 7:20 को, एंड उसके बाद मैंने आपको क्लास में दिया, ठीक है, उसके बाद ही दिया, तो इतना स्पीड में थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा हैंडराइटिंग को देख लेना, ठीक है, शॉर्टकट जाता है। पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी क्या हो सकता है, पर्सनालिटी इज ए और इज
साइको फिजिकल। अभी मैंने बोला ना, आप मुझे ऑब्जर्व करो, फिजिकली ऑब्जर्व करते हो, साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व करते हो, दोनों करते हो कि नहीं? फिजिकली करते हो, साइकोलॉजिकली करते हो, दोनों करते हैं। आप मेरे दिमाग को भी समझ रहे हो, मेरे आइडियाज को ले रहे हो, प्लस मेरे फिजिक को भी देखते हो। अगर क्लासरूम में एंटर करते हो, सपोज आप क्लासरूम में एंटर करते हो, आपका जेस्चर पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं? ये सुन लो, जेस्चर। ओके, सो दैट इज फिजिकल। ओके, अभी बोलो, पर्सनालिटी गोल डायरेक्टेड है, जैसे लीडरशिप कैरेक्टर होते हैं ना, वैसे पर्सनालिटी भी गोल डायरेक्टेड है। लीडरशिप कैरेक्टर भी एक्सपीरियंस की वजह से मिलता है बहुत जगह पे, और यहाँ पे भी पर्सनालिटी भी एक्सपीरियंस की वजह से आता है। पर्सनालिटी डायनामिक है। अभी मैंने आपको एक समझाया ना, आपने मुझे एज ए टीचर देखा है, मे बी मुझे और भी मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स होंगे, राइट? जैसे मेरा एक हॉबी है कुकिंग, या पेंटिंग भी मैं करती हूँ, सिंगिंग भी आता है, या फिर डांसिंग आता है। वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट दीज आर ऑल्सो माइंड कैरेक्टर्स। ये सारे भी मेरे ही कैरेक्टर्स हैं। सो मैं क्या हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है? डायनेमिक है। आपकी भी पर्सनालिटी डायनेमिक है। आप लोग एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा गुण है आपके पास, इसलिए इसको डायनेमिक बोला गया। पर्सनालिटी है आपके पास, इसलिए इसको डायनेमिक बोला गया। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो सकता है। ये बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फेनोमेनन है। बोलो, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ पर्सनालिटी मेरे फादर का, मदर का आ सकता है मुझमें? आ सकते हैं ना कुछ कैरेक्टर्स, पर्सनालिटी ऑब्वियस है आएंगे। तो वो बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फेनोमेनन हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, पर्सनालिटी को एज ए पार्ट देखोगे, एज ए होल देखोगे, मतलब एज ए जनरल देखोगे या स्पेसिफिक पॉइंट में देखोगे? देखते गलत हो गया, ये जनरल है, ठीक है। पर्सनालिटी जनरल कैसे होगा? देखो, आप एक पर्सन का पूरा एबिलिटी को चेक कर रहे हो, उसका एबिलिटी, उसके हाथ पैर बोलने मतलब बोलने चलने में, उसके दिमाग में जो भी आइडियाज है सबसे दिखता है। तो एज ए टोटल देख रहे हो ना, एज ए टोटल देख रहे हो उसको, बस ओवरऑली, ठीक है। आपको मैं जब पढ़ाती हूँ, क्या मैं सिर्फ बोल के पढ़ाती हूँ? अभी ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है। जब भी मुझे बच्चों ने ऑनलाइन में भी देखा है, ऑफलाइन में भी देखा है। ऑफलाइन में बोलो कैसे होता है, ऑल टोटल बॉडी पार्ट्स हिलते हैं कि नहीं, काम करते हैं, जेस्चर, मतलब वर्बल, नॉन वर्बल, लिखना, बोलना, आपके पास जाना, सब कुछ होता है। एज ए टीचर आप लोग भी करते हो, तो वो चीज हो गया ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल हो रहा है। अभी मैं आपको ना ऐसे पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, मेरे हाथ इधर मूव कर रहे हैं, मेरे फेस में अभी भी एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स ये ओवरऑल चल रहा है, ये मेरा पर्सनालिटी है, ये ओवरऑल होता है, होल है रेदर देन इट्स पार्ट्स। ये पार्ट में हम लोग इसको कम समझेंगे, इसको होलली समझना पड़ता है, जनरल वे से समझना पड़ता है। स्पेसिफिक में जाओगे डिटेल समझ सकते हो, बट स्पेसिफिक में कोई भी चीज़, टीचिंग अगर स्पेसिफिक में चले गए और भी छोटा हो जाएगा, एंड उसके भाष नॉलेज को आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए पूरा होल समझना पड़ता है। ओके, अभी देखो और क्या बोला गया, पर्सनालिटी मेड अप ऑफ ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, पर्सनालिटी एक कैरेक्टर है। ओके, पर्सनालिटी बहुत टाइप का हो सकता है। अच्छा, एक गुड पर्सन जिसके पास हैविंग गुड पर्सनालिटी, गुड पर्सन जितने भी हैं जिनके पास गुड पर्सनालिटी है, तो वो क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, इजीली एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? ओके, सो गुड पर्सनालिटी एडजस्ट विद द सोसाइटी, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हो गया, इतना समझ आया? ये सुनो, फटाफट बोलो। ओके, चलो आगे देखो, एक चीज मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पूरा पर्सनालिटी का फुल फॉर्म देखो, अभी पूरा पर्सनालिटी का फुल फॉर्म, अगर पर्सनालिटी का फुल फॉर्म भी कोई इंसान समझ जाता है, उसी वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, उसका थ्योरी बन जाएगा, उसका थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, पर्सनालिटी में पी फॉर परसेप्शन, किसी चीज को ग्रहण करना। अब पर्सनालिटी को बिल्ड करना चाहते हो तो पहले तो ग्रहण करना पड़ेगा ना, कौन सा कैरेक्टर को आपके अंदर लाना है, तो वो बनेगा, तो परसेप्शन। ई फॉर इमोशनल, आर फॉर, अच्छा पर्सनालिटी का आर, अच्छा इमोशनल मैच्योरिटी इधर एक साथ है, आर फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। देखो, रेस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको स्टिमुली मिलता है,
कुछ बच्चे हैं बहुत साइलेंट रहेंगे, कुछ बच्चे हैं रेस्पॉन्सिव होंगे, मतलब रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सो जो भी पर्सनालिटी जिनका बहुत अच्छा होता है वो रेस्पॉन्सिवनेस कैरेक्टर शो करते हैं। अभी देखो, एज फॉर सोशियबिलिटी मतलब सोसाइटी में एडजस्ट करने का कैपेसिटी है, इसलिए बोला गया ये सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। एंड गुड पर्सन ऑलवेज सोसाइटी के साथ एडजस्ट हो जाता है। ओ फॉर ओरिजिनलिटी, अच्छा बोलो, जो भी पर्सनालिटी आप बियर करते हो, कैरी करते हो, अगर आप पॉजिटिव एंड रियल रहते हो तो आपको प्रॉब्लम कम होगा कि नहीं? अगर ऑलवेज सच बोलते हो प्रॉब्लम फंसोगे, और सच पर हम प्रॉब्लम में नहीं, दैट मींस ओरिजिनलिटी इंपॉर्टेंट है। अभी ओरिजिनलिटी के बाद एंड फॉर न्यूट्रलिटी, कुछ चीजों में 10% चीजों में लाइफ में जो भी सिचुएशन आते हैं उसमें न्यूट्रल भी रहना पड़ता है। मे बी नॉट ऐसा सिचुएशन आ सकते हैं, बट कुछ चीजों में मूवी खोलना पड़ता है। ए फॉर अपीयरेंस, मैंने अभी बताया टीचर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके बोला कि ये होल है, क्यों? अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। आप बोलो आप कौन से टाइप के टीचर से पढ़ना पसंद करोगे, जज कैसे करते हो? फटाफट आपको दो टीचर्स दे रही हूँ, एक टीचर ने अच्छे ड्रेस पहन के आए, बहुत सिंपल व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है सिंपल एम्ब्रॉयडरी के साथ, और एक टीचर ने बहुत ही तड़कता भड़कता रेड कलर का ड्रेस पहन के आया है। उनका नॉलेज से जज मत करो, अभी बोलो दोनों का पर्सनालिटी देख लो, बाहर से देख लो, किसके साथ आप जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, फटाफट बोलो। व्हाइट कलर, मतलब प्रोफेशन वाइज भी कुछ कलर आते हैं, तो अपीयरेंस बहुत ही मैटर करता है। अपीयरेंस लाइट कलर मैटर करता है, लाइट कलर सुकून देता है, पीस देता है, एंड उससे अच्छा लगता है कि ये नॉलेजेबल पर्सन होगा, क्योंकि हमारा पर्सनालिटी यही बोलता है। अगर आप साउंड माइंड हो, पर्सन हो, साउंड माइंड रहेगा आपका, जिसमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, क्रिएटिव हो, एंड बहुत ज़्यादा आप थिंक करते हो एजुकेशन रिलेटेड, तो आप बहुत ही ज़्यादा सादा सिंपल रहोगे। मे बी अलग जगह पे आप बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, बट इस जगह पे आप सादा सिंपल रहोगे, बस ये याद रखना। एल फॉर लीडरशिप फीलिंग, ठीक है। आई फॉर इंटीग्रेटेड, मतलब जोड़ते हुए जाना, मैंने समझाया था वो आपका बकेट वाला वाटर फुल ऑफ बकेट जो था उसको आपने डाला वेसल में, तो वो इंटीग्रेटेड वर्ड है। टी फॉर टेंडेंसी, बार बार सीखना है तो सीखने का जो आग्रह है ना, इच्छुक हो आप, तो दैट इज द टेंडेंसी, बारंबारता, आप बार बार सीखना चाहते हो, एक चीज नहीं हो रहा फिर करेंगे। ये टीचर्स का बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, उसी का पर्सनैलिटी से बच्चे भी सीखते हैं। वाई फॉर यंग इन थिंकिंग, एज में नहीं, यंग इन थिंकिंग, थिंकिंग ऑलवेज यंग रखो, ब्रॉडर रखो माइंड, ऑलवेज ब्रॉडर होना चाहिए, ऑलवेज आज के टाइम के लोगों के साथ आपको मिलते जुलते थिंकिंग रखना चाहिए। तो ये हो गया पर्सनालिटी का फुल फॉर्म। अभी अगर मैं बोलूँ ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितने पॉइंट से हो जाएगा, चार पॉइंट से। फर्स्ट वन इज अ फिजिक, मतलब समझ गया ना, कैरेक्टर्स, अपीयरेंस, बाहर से जो जो दिखता है, जेस्चर्स, पॉजिटिव लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, ये सारे आ जाएंगे। केमिक बोलो, केमिक mतलब केमिकल्स, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन सीक्रेशन हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ही और भी ज़्यादा फ्लूइड्स हैं हमारे बॉडी में, ब्लड है उसका सर्कुलेशन चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे और भी फ्लूइड्स हैं, तो वो केमिकल है। एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट, लर्निंग, शिक्षा, एजुकेशन लेना, तो इसी से ही हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं बोलूँ फैक्टर्स, पता है फैक्टर्स कैसे पढ़ोगे, BFSFPF, ठीक है, BFSFPF, BF में क्या आ जाएगा, दैट इज बी फॉर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये तीन आते हैं, फिजिक, जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर हैं, आपके पहनने का स्टाइल है जो कि बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो भी सुंदरता है बोल सकते हो, अपीयरेंस है, वो सारे। केमिक है, केमिकल चेंजेस, अभी मैंने बोला हार्मोनल चेंजेस एंड फ्लूइड जो भी आपके बॉडी में सीक्रेट होते हैं। नर्वस सिस्टम, दैट इज योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन। अच्छा, आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो आपका ब्रेन का निचला हिस्सा को पकड़ लो, यहाँ पे छोटा दिमाग है, बोलते हो ना छोटा दिमाग, छोटा ब्रेन, हाँ छोटा दिमाग बोला जाता है, वो क्या है बताओ, सेरेबेलम है। सेरेबेलम के साथ यहाँ पे एक हड्डी है,
उस हड्डी को क्या बोलते हैं बताओ, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। ठीक, थोड़ा सा याद रखो, आपके नेक पोर्शन को टच करो पीछे से, जो कि आपके बैक के साथ एंड तक एनस पॉइंट तक जुड़ा हुआ है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसको मेडुला ऑब्लॉन्गाटा बोलते हैं। ठीक है, ये और आपका जो ब्रेन है इसमें क्या रहता है, नर्वस सिस्टम रहता है। वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, अच्छा मैंने बोला आपका नेक का पीछे पोर्शन जो है ना, नेक का एक जो हड्डी है मेन, यहाँ पे एक हड्डी बोन रहेगा जो कंटिन्यू करता है एनस तक, एनएस तक, आप जिसके वजह से बैक में आपको एक स्ट्रेंथ मिलता है एंड आप बैठ सकते हो, पोस्चर मिलता है आपको। तो इसके साथ आपका हाँ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर नेक का जो पोर्शन है और यहाँ पे जो ब्रेन है, नेक का पोर्शन को बोलते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, जो सीधा अगर चल जाए बैकबोन तक उसको हम बैकबोन भी बोलते हैं या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और इस पोर्शन को हम ब्रेन बोलते हैं। अभी ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में क्या रहता है, नर्वस सिस्टम रहता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इतनी सारी चीज़ें बनते हैं। ठीक है, अभी याद रखो सिर्फ नर्वस सिस्टम, टोटल बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए ये चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, एसएफ है। एसएफ क्या है, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स मतलब स्कूल हो गया, घर हो गया, होम, लैंग्वेज कल्चर, लैंग्वेज कल्चर। अभी लास्ट आया पीएस, मैंने लिखा है देखना, छोटा से एक पीएस लिख दिया। ठीक है, पीएस फॉर साइकोलॉजिकल बोल सकते हो, साइकोलॉजिकल पीएस जहां पे भी लिख दूं तो साइकोलॉजिकल समझ आना, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अभी साइकोलॉजिकल मतलब ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इमोशंस, एटीट्यूड और इंटरनेट सेंटिमेंट। सॉरी इंटरनेट क्या लिख दिया, इंटरेस्ट है, सो सॉरी, इतना देखते देखते ये हो गया, इंटरेस्ट है, सो सॉरी, हाँ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, ओके इंटरेस्ट है। यहाँ पर स्पेलिंग एक छूटा हुआ है, एटीट्यूड को डी होना चाहिए था, टी हो गया है एटीट्यूड, तो थोड़ा लिखने में स्पीड में हो जाता है, तो याद रखना इतना। अभी बोलो पर्सनालिटी असेसमेंट करोगे, असेसमेंट मतलब क्या है, असेसमेंट मतलब क्या है, किस लिए करते हो असेसमेंट, असेसमेंट इवैल्यूएशन नहीं बोला, असेसमेंट का मतलब क्या है, असेसमेंट मतलब इवैल्यूएशन का बाद का स्टेज को असेसमेंट बोलते हैं। ओके, इवैल्यूएशन मींस मूल्यांकन, हाँ मूल्यांकन, और इसका मतलब क्या है बताओ, असेसमेंट का मतलब क्या है बताओ, अच्छा रिपोर्ट कार्ड में लिखे हैं, तो बोल सकते हैं परफॉर्मेंस जजमेंट, जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, असेसमेंट यहाँ पे जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देता है, तो परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनालिटी को अगर जज करना है तो दो वे का टेक्निक है, मतलब दो वे से आप कर सकते हो, दो टेक्निक है, एक है नॉन प्रोजेक्टिव, दूसरा है प्रोजेक्टिव। नॉन प्रोजेक्टिव में बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, जैसे दो टाइप में उसको डिवाइड किया गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है, बड़े बड़े चीज़ें को देख लो, रिपोर्ट कार्ड बनाना, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाना, क्वेश्चनियर बनाना, बहुत बड़े बड़े। अगर मैं ऑब्जेक्टिव में चले जाऊँ, छोटे छोटे चीज़ें जाओ, चेकलिस्ट बना लो, एमसीक्यूज करा लो, ऐसे छोटे छोटे चीज़। अगर मैं प्रोजेक्टिव में चले जाऊँ तो प्रोजेक्टिव में सारे टेस्ट आते हैं, जो कि टेस्ट बनाते कौन है, जो भी नॉर्मल इंसान, हम जैसे ही नॉर्मल इंसान। तो एक टेस्ट है इंक ब्लॉट टेस्ट, दूसरा है चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट। एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों टेस्ट मटेरियल है जिसको यूज़ करके बच्चों को टेस्ट किया जाता है। इतना क्लियर है, समझ आया, ओके सो आज ना इतना ही रखते हैं। ठीक है, और भी दो क्वेश्चंस बच गए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चंस हुए हैं आज, 5 क्वेश्चंस हुए हैं। अगेन बोल दूँ इंडिविजुअल डिफरेंस है नेक्स्ट इसके बाद है, और देखो इंडिविजुअल डिफरेंस का भी दे दिया है पूरा, देन इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का दिया हुआ है, और बाकी का क्वेश्चन कल डिस्कशन कर दूँगी, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कल के क्लास में मैं कवर कर दूँगी। इतना समझ आया,